हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंचायती राज चुनाव को लेकर सिरोही जिले में जिला प्रमुख व प्रधानों के भविष्य आज तय होंगे। जिला प्रमुख व प्रधान की दावेदारी को लेकर दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस व भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के आवेदन जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किए हैं। जिला प्रमुख की दावेदारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अर्जुन राम पुरोहित व कांग्रेस पार्टी की ओर से हरीश चौधरी ने अपने नामांकन दाखिल किए। वहीं प्रधानों की दावेदारी को लेकर सिरोही पंचायत समिति से भाजपा की ओर से हसमुख कुमार व कांग्रेस की ओर से सीता देवी, पिंडवाड़ा पंचायत समिति से भाजपा की ओर से नितिन बंसल व कांग्रेस की ओर से सुनीता गरासिया, रेवदर पंचायत समिति से भाजपा की ओर से राधिका देवासी व कांग्रेस की ओर से दानू देवी चौधरी, शिवगंज पंचायत समिति से भाजपा की ओर से ललिता कुंवर व कांग्रेस से कैलाश कुमार एवं आबू रोड पंचायत समिति से भाजपा की ओर से रामलाल रनोरा व कांग्रेस की ओर से लीला राम ने अपने अपने आवेदन दाखिल किए हैं। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिले में 17 जिला परिषदों की जीत हासिल हुई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खेमे में केवल 4 जिला परिषदों ने ही जीत हासिल की है। जिला प्रमुख के परिणामों को देखते हुए साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जिला प्रमुख का शीघ्र नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाता नजर आ रहा है। जिला प्रमुख व प्रधानों के चुनाव को लेकर जिले में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े बंदोबस्त कर रखे हैं। और हमारे पांचों स्थानों पर और हमारे भारती की तरफ से और प्रभारी नियुक्त है, सबसे बातचीत भी हुई है, आवेदन की प्रक्रिया अभी चल रही है। मैं सोचता हूं कि जैसा पार्टी ने तय किया है उसके अनुरूप जो है वहां पर प्रधान के उम्मीदवार का और आवेदन अभी कर दिए जाएंगे। 11 बजे जागरूक टीवी की सिरोही से डूंगाराम पुरोहित की रिपोर्ट।